अजमेर की सेंट्रल जेल में फर्जी आईडी लगाकर कैदी से मुलाकात करने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह आईडी वकील की बताई जा रही है, जिसे लेकर पुलिस जांच कर रही है। अजमेर के सिविल लाइन थाने में तैनात एएसआई चेतन सिंह ने बताया कि केंद्रीय कारागृह में 3 जून 2022 को हरिनारायण नाम के कैदी से टोंक निवासी सुभाष नाम का व्यक्ति मुलाकात कर रवाना हो गया। इस मामले में जब दस्तावेजों की जांच की तो यह आईडी महेश नाम की वकील की बताई जा रही है। जिनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उनकी आईडी जितेंद्र चौधरी को दी गई है। इस संबंध में जेल प्रशासन की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं, साथ ही फर्जी आईडी के माध्यम से जेल में चल रहे इस कारनामे को लेकर भी जेल प्रशासन की ओर से सिविल लाइन थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस ने सेंट्रल जेल के अधीक्षक के निर्देश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह आईडी किसकी है और मुलाकात के पीछे क्या वजह है, इसे लेकर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है, जिससे कि इससे घटनाक्रम को लेकर स्थिति स्पष्ट हो। गौरतलब है कि अजमेर के सेंट्रल जेल में कई हार्डकोर बंदी भी बंद है और ऐसे में इस तरह की लापरवाही जेल प्रशासन की सुरक्षा के साथ ही प्रदेश की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर सकती है। दिनांक 3/6/22 को गणेश खोजी कांस्टेबल केंद्रीय कारागार अजमेर ने एक प्रार्थना पत्र लाके पेश करा, रिपोर्ट पेश करी कि उप अधीक्षक महोदय केंद्रीय कारागार द्वारा भेजी गई थी, जिसमें एक जेल के अंदर बंदी है हरिनारायण पुत्र विजय मीणा, उम्र 52 साल, निवासी किशोरपुरा विनायका ज्योत जयपुर से मुलाकात करने के लिए एक सुभाष पुत्र मदनलाल हाजीपुरा पीपलू टोंक का व्यक्ति फर्जी आईडी लेकर का है और उनसे मुलाकात करी। जो आईडी थी वो किसी वकील की है, महेश गुजर नाम है वकील का। उनसे संपर्क करना चाहा तो एक जितेंद्र चौधरी और है, उसने भी महेश बताया कि मेरी आईडी जितेंद्र चौधरी के पास में। अब ये जितेंद्र चौधरी कौन है, इसके बारे में भी जांच की जाएगी और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश एएसआई रणजीत सिंह के जिम्मे की गई है। अनुसंधान जारी है। किन धाराओं में हुआ है? धारा 419 में, केंद्र 419 IPC। ठीक है, आपका नाम? चेतन सिंह एएसआई।